हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आरआर एकेडमी फिरोजाबाद में। आज की क्लास में आपका टॉपिक है सिंपलीफिकेशन। इस सिंपलीफिकेशन के चैप्टर में हम वो सब कुछ टिप्स बताना चाहते हैं जो आपके प्रत्येक एग्जाम में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिस एग्जाम में अभी मैथमेटिक्स पूछा जाता होगा। तो चलिए क्लास को बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। आरोही क्रम मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम या फिर अवरोही क्रम, ऐसे करके अगर सवाल पूछ लिया जाता है और अक्सर करके पूछा ही जाता है इस टाइप से, तो देख लेते हैं कैसे। कोई भी एक सेट उठा लीजिए, ये जो है 5/6, 6/8, 7/9, 11/13, इसी को हम उठा लेते हैं। 5/6, 6/8, 7/9 और 11/13। जब भी आरोही क्रम, अवरोही क्रम या छोटी या बड़ी इस तरीके से फ्रैक्शन पूछी जाए तो आपको क्या करना है, अंश और हर में डिफरेंस देखना है। इसमें एक का है, इसमें दो का है, इसमें भी दो का है और इसमें भी दो का है। अब जो ये डिफरेंस निकल के आया है इसका अंश में भाग देना है। एक का भाग 5 में दिया तो कितने बार जाएगा, 5 बार। दो का भाग 6 में दिया तो कितने बार जाएगा, 3 बार। दो का भाग 7 में दिया तो ये आ जाएगा 3.5। दो का भाग 11 में देंगे तो ये आ जाएगा 5.5। अब देख लीजिए जो वैल्यू निकल के आ रही है, जो बड़ी है वही सबसे बड़ी फ्रैक्शन है और जिसकी वैल्यू छोटी है वो सबसे छोटी फ्रैक्शन है। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन ये वाली होगी जिसकी वैल्यू सबसे कम आ रही है 3, तो 6/8, फिर उसके बाद में 3.5 मतलब कि 7/9, फिर 5 वाली है मतलब 5/6 और फिर ये 11/13, ये हो गया आपका आरोही क्रम। देख लीजिए ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या है, 6/8, 7/9, 6/8, 7/9, 5/6, 11/13, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है आपका। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। क्या करना होता है, अंश और हर में डिफरेंस देखना होता है कितने का है, उस डिफरेंस का भाग देना होता है किसमें, अंश में। और जो वैल्यू ज्यादा है वो बड़ी भिन्न है और जो वैल्यू छोटी है वो छोटी भिन्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लैडर फ्रैक्शन से है। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर करके पूछा ही जाता है लैडर फ्रैक्शन, जिसने भी नहीं सीखा वो आज सीख लें लैडर फ्रैक्शन ये कैसे सॉल्व करते हैं, जिसको हम हिंदी में लंगड़ी भिन्न भी बोलते हैं या सतत भिन्न भी बोलते हैं। तो चलिए यह है 1, 1, 1 की सीरीज में है और 1+1+1+ इस तरीके से है और ये दिया है एक्स। एक्स की जगह हमें बताना है कि एक्स की जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन आपके सामने है, चाहो तो इसे ऑप्शन से सॉल्व कर लो और चाहो तो इसे डायरेक्ट जो प्रोसेस होती है उस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं, तो ऑप्शन क्या है, ए, ऑप्शन ए है हमारा 2, तो एक्स बराबर मान लेते हैं हम 2। एक्स बराबर हमने ऑप्शन ए से स्टार्ट किया है, 2 मान के चलते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1/2 हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 और 2। अब क्या करना है, अब ये देख लीजिए 1+2+3+ कितने बार प्लस की प्रोसेस आ रही है, 3 बार प्लस की प्रोसेस हो रही है। तो 3 बार हमें आगे चलना है, 1, 2, 3, 3 बार क्या करना है हमें आगे चलना है। अब चलना कैसे आगे, ऐसे चलना है आगे पीछे वाली संख्या को जोड़ते हुए, 2 और 1, 3, फिर इससे पीछे वाली संख्या को जोड़ते हुए 3 और 2, 5, फिर इसको पीछे वाली संख्या से ऐड कर दो, 5 और 3, 5 और 3, 8, यहां तक आ गए। अब हमारे पास क्या बचा है, ऊपर ये बचा है, ये वाला जो 1 है ये अभी बचा है। तो पहले यहां तक देख लेते हैं, तो ये आ गया हमारा टोटल
ये आठ है जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसे ऊपर रखते हैं, उससे पहले वाला पार्ट होता है वो नीचे आ गया, आठ बट्टे पांच आ गया हमारा। अब ऊपर ये वन बचा है, उसे वन को वैसा का वैसा ही रख लो, ये रख लिया वन। अब जब इसे पलटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये पांच बट्टे आठ, और दिया क्या है हमें पांच बट्टे आठ। हम कह सकते हैं कि दो मतलब कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छे से फिट हो रहा है इस प्रोसेस में। पांच बट्टे आठ यही हमसे वैल्यू बोली गई है और यही हमारी वैल्यू निकल कर आई है। ये वन ऊपर क्यों रखा गया है, क्योंकि यहां पर हमने इतने पार्ट की, ओनली इतने पार्ट की जो कुछ भी प्रोसेस थी वो इतने पार्ट की है। ये हमारा जो ऊपर वाला वन है, ये ऊपर वाला वन है, इसको हम अभी बचाकर रखे हुए थे, तो ये वही वन है जो ऊपर वाला है। तो जब इसको पांच को ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो ये पांच बट्टे आठ हो जाएगी। नोट कर लें इसे। अब इसको हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, हमको दिया है ये पूरी सीरीज दी है और हमें वैल्यू दिया बराबर पांच बट्टे आठ, पांच बट्टे आठ हमें वैल्यू दी है, तो हम पांच बट्टे आठ को ऐसे लिख लेते हैं इधर पांच बट्टे आठ। अब पांच बट्टे आठ के लिए हमें ये वाली जो लैडर फ्रैक्शन है ये बनानी है पांच बट्टे आठ से, तो हम कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला पार्ट लेकर आना है, ये जो वन है ये ऊपर वाला पार्ट लेकर आना है यहां पर। तो जब वन लेकर आएंगे तो ये कैसे हो जाएगा, पांच बट्टे आठ है तो ये हो जाएगा आठ बट्टे पांच। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं पांच बट्टे आठ को, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये जो वन है यहाँ पर ऊपर लगा है वो वाली वन लेकर आए हैं, तो इसको हम पलट देंगे आठ बट्टे पांच कर देंगे। जब इसको यदि हम पांच को ऊपर ले जाएंगे तो ये फिर से पांच बट्टे आठ हो जाएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हमने जो तरीका है वो बदल दिया है, क्योंकि हमें ये वाली प्रोसेस बनानी है लैडर फ्रैक्शन की। अब देख लीजिए ये आ गया ऊपर एक वन, ठीक है, कौन सा वाला वन आ गया, ये वाला जो सबसे ऊपर बैठा है राजा बनकर। अब क्या करेंगे, ये जो आठ बट्टे पांच है अब इसको भाग दे दो, जैसे देते हैं पांच एकन पांच प्लस तीन बट्टे पांच, ये बन गया पांच का भाग आठ में दिया, वन प्लस थ्री बाई फाइव ये आ गया हमारा। अब इसी तरीके से ये आ गया, यहां तक का पार्ट आ गया वन प्लस, एक वन प्लस हो गया, एक क्रिया हो गई यहां तक हमारी। अब इसी तरीके से ये जो तीन बट्टे पांच है, ये जो तीन बट्टे पांच आया है इसको भी पलट कर लिखना है हमें, इसको भी हमें क्या करना है पलट कर लिखना है। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि इसके ऊपर भी तो एक लाना है हमें, ये इसके ऊपर भी तो ये एक लाना है, तो जब इसके ऊपर भी हम एक लाएंगे तो ये भी पलट कर कैसी बन जाएगी, पांच बट्टे तीन बन जाएगी, पांच बट्टे तीन बन जाएगी। और फिर इसको भी इसी तरीके से लिख देंगे तो तीन एकन तीन प्लस दो बट्टे तीन, यहां तक की प्रोसेस हो गई, क्योंकि वन प्लस एक, वन प्लस ये हो गया, एक वन प्लस ये हो गया। अब फिर इसको भी पलट के लिख दें दो बट्टे तीन को भी, तो दो बट्टे तीन को भी पलट के लिखेंगे तो ये आ जाएगा तीन बट्टे दो, क्योंकि इसके नीचे भी हमें क्या लाना है, इसके नीचे भी ये वाला वन लाना है, तो ये क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू। तो लास्ट में क्या आ गया, ये हमारा वन बाई टू, और यहाँ पे क्या था, ये इसी जगह पर दिया था हमें एक्स, एक्स बराबर कितना निकल के आ गया, एक्स बराबर निकल के आ गया हमारा दो। नोट कर लें इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा लैडर फ्रैक्शन से है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा था उस क्वेश्चन में हमने क्या देखा है कि इस सीरीज में जो ये प्लस होते हुए जा रहे हैं, इस सीरीज में वन 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 ओनली वन था, ठीक है, यहां पे लेकिन टू भी है। और क्या देखा था हमने पिछले क्वेश्चन में, यहां पर भी वन था
वन वाई वन वाई वन वाई वन वाई फाइव, यहां पे भी अंश वाली जगह पर भी क्या था वन था और ऐड करने वाली जगह पर भी क्या था वन था, लेकिन यहां पे सब कुछ हटके है। तो जरा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने बताया था ये है चार बट्टे पांच, इसको ऐसे लिख लिया हमने चार और पांच, चार बट्टे पांच को ऐसे लिख लिया। अब देख लीजिए प्लस का साइन कितने बार है, एक बार दो बार तीन बार चार बार, मतलब क्या करना है हमें एक बार आगे जाना है, दो बार आगे जाना है, तीन बार जाना है और चार बार जाना है, चार बार हमें आगे चलना है। कैसे, जैसे पिछले क्वेश्चन में चले थे हम पीछे वाली संख्या को ऐड करते हुए उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करनी पड़ेगा वो देख लेते हैं। यह है पांच और चार, यहां पर क्या है वन, यहां पे यदि वन है तो यहां पे कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे हम पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही इसे ऐड कर देंगे। पांच और चार नौ, पांच और चार नौ आ गई है। अब यहां पर देख लीजिए ये है दो, यहां पर क्या है दो। अब क्या करेंगे, ये जो दो है उसका गुणा करेंगे नौ में, अगर आगे दो है, इधर वाली संख्या है प्लस से पहले वाली संख्या, प्लस से पहले वाली संख्या है उसका गुणा करते हैं इधर वाले राइट हैंड वाले अंक में, और ऊपर यदि कोई अंक है वन के अलावा कोई अदर अंक तो उसका गुणा करते हैं पहली वाली संख्या में, मतलब कि लेफ्ट हैंड वाली संख्या में। तो देख लेते हैं नौ में दो का गुणा कर दिया क्योंकि ये प्लस से पहले है, और यहां पर तीन का गुणा कर दिया क्योंकि ये ऊपर है, नौ दूनी अठारह, अब इन दोनों को ऐड कर दो गुणा करके, नौ दूनी अठारह पांती पंद्रह, अठारह और पंद्रह कितना होता है तैतीस होता है, तो ये आ गया हमारा तैतीस। फिर आगे चलते हैं, यहां पर क्या है वन, यहां पर है वन, तो तैतीस में एक का गुणा कर दें, यदि गुणा करना चाहें तो ठीक है, नहीं करना चाहें तो भी ठीक है क्योंकि तैतीस एकन तैतीस ही होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए साइन लगा दिया है, तैतीस में एक का गुणा कर दिया ये हमने क्योंकि ये प्लस से पहले है इसलिए हमने राइट हैंड वाले संख्या में लगाया है। अब ऊपर क्या है दो, ऊपर क्या है दो, इस दो का गुणा यहां पे कर दो नौ में, नौ दूनी अठारह और तैतीस एकन तैतीस, तैतीस और अठारह कितना हो गया ये हो गया हमारा इक्यावन। अब इसी तरीके से फिर आगे चलते हैं, यहां पर क्या है वन, मतलब इक्यावन में एक का गुणा करेंगे, और ऊपर क्या है वन, इसमें भी एक का गुणा करेंगे, तो इक्यावन एकन इक्यावन और तैतीस एकन तैतीस, और इससे कर दो ऐड, ये कितना होगा तीन और एक चार, तीन और पांच आठ, ये हो गया हमारा चौरासी बट्टे इक्यावन, ये आ गया हमारा चौरासी बट्टे इक्यावन। समझ में आ गया सभी लोगों को, क्या किया हमने, ये जो चार बट्टे पांच है इसे चार और पांच इस तरीके से लिख लिया। अब ये हमने देखा कि प्लस कितने बार है बीच में, एक बार दो बार तीन बार चार बार, तो एक बार दो बार तीन बार चार बार, चार बार हमें आगे चलना है पिछली संख्या को ऐड करते हुए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पे गुणा का भी सहारा लेना पड़ा है हमें। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये वन 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 की सीरीज होती और यहाँ पर भी वन वन की सीरीज होती अंश वाली जगह पर, तो हमें गुणा नहीं करना पड़ता, गुणा तो तब भी करना पड़ता है लेकिन गुणा एक का, किसी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो वो संख्या वैसी की वैसी आएगी, इसलिए फिर हमें गुणा का सहारा नहीं लेना होता है। यहाँ पर क्या है कि एक की जगह पर अंक है वो अलग है, इसलिए हमें वहां पर गुणा का सहारा लेना पड़ा है। तो क्या किया हमने, चार पांच को वैसा ही लिख दिया, फिर जो ये पांच है यहाँ पर ये वन है इसलिए हमने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की, पांच और चार नौ, नौ आ गया। अब जो ये दो है प्लस से पहले वाली संख्या उसका राइट हैंड वाली संख्या में गुणा करना है नाइन में, ये नौ का गुणा कर दिया दो में, नौ का गुणा कर दिया, और ये जो ऊपर वाली संख्या है उसका आगे वाली संख्या में पांती पंद्रह, पंद्रह और अठारह तैतीस, इसी तरीके से ये प्लस से पहले है तो तैतीस में एक का गुणा किया, और प्लस और ये दो ऊपर है इसलिए ये आगे वाली संख्या में नौ दूनी अठारह, अठारह और तैतीस इक्यावन, इसी तरीके से आगे करते हुए गए, चौरासी बट्टे इक्यावन आपका आंसर आ गया। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, अट्ठाईस बट्टे सत्रह, बारह बट्टे सत्रह,
23 बट्टे 17 और 38 बट्टे 17, मतलब कि ऑप्शन में इसे सिंप्लीफाई किया गया है। तो इसे ऐसा करते हैं, तीन से इसे क्रॉस कर देते हैं, तीन दूनी 6 3 8 24 और 17 3 51 28 बट्टे 17। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट से सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर कोई व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट जीएस की क्लास लेना चाहता है या साइंस की क्लास लेना चाहता है तो आरआर एकेडमी फरीदाबाद पर, मतलब इसी चैनल पर आपकी सारी क्लासेज अवेलेबल हैं। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी क्लास हो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। यह है 9, इसको कहते हैं मोड। इसमें कोई भी माइनस की संख्या होती है वो प्लस की हो जाती है अपने आप ही। 9 मोड 3 - 5 - 5, ये मोड में 4 है, फिर ये भाग 10 है, और इसी तरीके से नीचे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो 3 में से 5 गए, माइनस के 2 बचे। ध्यान से देख लेना इसको, 3 में से 5 गए, माइनस के 2 बचे, ये आगे माइनस की संख्या। लेकिन ये किसमें है? ये मोड में है। किसमें है? मोड में। और मोड में अभी हमने बताया कि प्लस की हो जाती है संख्या, तो ये माइनस हट जाएगा, ये 2 रह गया, मतलब कि ये हो गया हमारा 9 गुणा 2। माइनस 5 लगा है, माइनस 5 कर दिया। ये मोड में पहले से प्लस की संख्या है, इसका कोई मतलब है ही नहीं है। तो गुणा 4, और ये क्या है भाग में? भाग 10। अब नीचे वाली को देख लेते हैं, -3 गुणा 5, ये हो गया -15। -2 गुणा 4 और भाग लगा है बट्टे 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 से ये काटा 2 बार, 5 दूनी 10, इस 2 से ये 2 बार, ऊपर क्या बचा 9 दूनी 18, और ये माइनस साइन लगा है, 18 में से 2 गए 16। इसी तरीके से यहां पे 2 से ये 2 कैंसिल, 15 और 4 - 19, तो माइनस का ये आ गया आपका आंसर -16/19। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया है। 9/10, -8/17, -16/19, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे। -16/19 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1239/55 की 11/13 का 1/5 = 562 - क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। जिसकी भी कैलकुलेशन अच्छी होगी, और कैलकुलेशन अच्छी कब होती है? प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स की आप, उतनी ही अच्छी आपकी कैलकुलेशन होगी। कुछ नहीं करना है, बस इसे कैलकुलेशन इसकी करनी है आपको। क्या करना है, ये जो के का ऐसे शब्द आते हैं दो संख्याओं के बीच में, तो वहां पर आपका गुणा का चिन्ह आता है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। यह है 1200, यह 1200 * 39/55 * 11/13 * 1/5 = 562 - आपका एक्स। चाहे एक्स मान लो, चाहे क्वेश्चन मार्क मान लो, वो आपकी मर्जी है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए इसे आप क्रॉस कर लेते हैं, जो कट रहा है उसे काट दो। 13 से ये कटा 3 बार, 11 से ये कटा 5 बार, अब नीचे क्या बचा? 5 और 5 = 25, 5 * 25, 25 से 1200 में भाग देंगे तो 12 - 25 = 100, 12 * 4 = 48, ये जाएगा 48 बार। तो क्या बचा हमारे पास? 48 * 3 और इधर बचा है हमारे पास 562 - x 24, 3 * 4 = 12, मतलब ये हो गया 144, ये हो गया हमारा 144 = 562 - x। माइनस को इधर लेकर आए,
माइनस को, तो ये माइनस एक्स है उसको इधर ले आए और 562 के उधर पहुंचा दिया 144, तो ये हो गया 562 में से 144 कम करना है हमें, क्योंकि ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की एक्स इधर आएगी तो वो प्लस की हो जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 12 में से 4 गए 8, 12 में से 4 गए 8, 5 में से 4 गए 1 और 5 में से 1 गया 4, 418। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया आपका 418, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। नोट कर लें इसे फटाफट से सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 7957 गुणा 7965 को एक उचित वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये एसएससी में आया हुआ है, जो अभी 2021-22 में एग्जाम हुए थे उसी एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो क्या करना है आपको, ये तो पीछे के दो अंक हैं, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए। ये जो पीछे के दो अंक हैं उनका एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज तो सभी लोग निकाल लेते हैं, 57 और 65 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 और 5 12, ये आएगा 122। 57 और 65 को ऐड किया तो 122, और एवरेज निकालने के लिए 2 से भाग दे दो क्योंकि 2 संख्याएं हैं। ये आ गया हमारा 6 दूनी 12, 6 एक 61 आ गया हमारा एवरेज, 61 आ गया। ध्यान से देख लेना। अब क्या करना है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7957 है, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 7957 को हम 61 में से 4 घटाएंगे तो वही आ जाएगा, 57 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से लिख दिया। अब क्या है, गुणा 7965, 7965 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7965 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7957 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया, ये सब कुछ हो किससे रहा है, जो एवरेज निकाला है उससे। अब ये बन गया a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी तरीके से कर लेते हैं तो ए स्क्वायर मतलब कि 7961 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 4, ये बी है हमारी मतलब कि 4 स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से देख लीजिए, अब इसका मान क्या आएगा, 4 स्क्वायर का मान आएगा 16, और ये माइनस के 16 हो जाएगा। माइनस के 16 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें प्लस 16 करना पड़ेगा, प्लस 16 करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या बचेगा फिर उसके बाद में, 7961 इसका होल स्क्वायर बस इतना बचेगा, क्योंकि माइनस 16 ये हो गया माइनस 16 और प्लस 16 हमने अपनी तरफ से किया है, ये तो कैंसिल हो ही जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, जो पूर्ण वर्ग है एक उचित वर्ग है 7961। तो क्या बोल सकते हैं, हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें, 16 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लें इसे फटाफट से सभी लोग, 16 इसमें जोड़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1006 का स्क्वायर माइनस 107, 1007 गुणा 1005। सेम क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे आप लोग तो ये क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन कराया है, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया है और कुछ नहीं है, तो डरने की कोई बात नहीं है इस क्वेश्चन से। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, अभी किया था सेम टू सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो ये है 1000 स्क्वायर, 1006 का स्क्वायर माइनस लगा है, माइनस लगा दिया हमने, ये बड़ा कोष्टक। पीछे वाली संख्याओं का एवरेज जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था, 7 और 5 12, 12 के अवधि कितने होते हैं 6, मतलब कि ये आ गया 1006 प्लस 1, और ये हो गया 1006 माइनस 1। इस तरीके से लिख सकते हैं, 1007 को हमने लिखा 6 प्लस 1 में,
1005 को कैसे लिख दिया, 6 माइनस 1 में, ये हो गया हमारा 1। अब इस पे आ जाते हैं, इस वाले पार्ट पर प्लस लगा है, प्लस लगा दिया, 8 और 4 12, इसका भी 6 ही आ रहा है बीच में, तो इसे भी इसी तरीके से 6 के फॉर्मेट में लिखें, 1006 प्लस 2 8 को ऐसे लिख दिया, 4 को भी इसी तरीके से 1006 माइनस 2 ये लिख दिया हमने, यहां तक हो गया। अब ये बचा हमारे पास, नीचे आ जाते हैं, इसे माइनस लगा है, माइनस लगा दिया, अब क्या करना है, 1009 को हम लिख सकते हैं 1006 प्लस 3, और इसी तरीके से 3 को लिख सकते हैं 1006 माइनस 3। ठीक है, अब ये सभी इक्वेशन बन गए a माइनस बी के फॉर्मेट में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मेट में ये सभी बन गए हैं। अब ये जैसा है इसको तो ऐसा का ऐसा ही यहीं पे रहने दो, इसको देख लेते हैं, 1006 का स्क्वायर इसे ऐसा का ऐसा ही रहने दो। अब इसको देख लेते हैं, माइनस लगा है, माइनस लगा है 1006 मतलब कि ये क्या हो गया, a प्लस b a माइनस b, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1006 का स्क्वायर, माइनस लगा है इसलिए ये माइनस का हो गया, और अंदर माइनस जो माइनस वाला साइन आता है वो प्लस का हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम इसे इस तरीके से लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिख रहा है, इसको पूरे को हम इस तरीके से लिखेंगे, और हमारे साथ में ये बाहर लगा है माइनस, तो माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, ये समझाने के लिए बताया है कि सभी लोगों को समझ में आ जाए। अब चलिए देख लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा +1 स्क्वायर। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया a² - b² वाले को, तो a माइनस का हो गया है यहाँ पे, क्योंकि माइनस का अंदर गुणा किया है, और जो माइनस वाला था वो प्लस का हो गया है। अब यहाँ पे आ जाइए प्लस वाले में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा 1006 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 है इसमें। इसी तरीके से इसमें जैसे अभी चेंज हुआ था साइन, वैसे यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, 1006 स्क्वायर माइनस का हो गया, और अंदर वाला ये प्लस का हो जाएगा 3 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल हो गया, बता क्या हमारे पास 1² - 2² + 3² ये बचा है, इसे सॉल्व कर लो, 1² - 2² 4, 2² 4 + 3² 9, 9 और 1 10, 10 में से 4 गए 6, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट है। जैसा पिछला क्वेश्चन था बस उसी को थोड़ा सा बड़ा करके 2-3 बार प्रोसेस करवाई गई है इसमें। चलिए नोट कर लें इसे फटाफट से सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कमरे में कुछ लड़के व लड़कियां हैं, लड़कियों की संख्या का वर्ग, किसकी, लड़कियों की संख्या का वर्ग लड़कों की संख्या के वर्ग से 28 कम है, लड़कों के वर्ग से लड़कियों का वर्ग है वो 28 कम है, यदि दो लड़कियां, ये हिंदी में लिखा है इसलिए इस पर ध्यान रखें, इस पर गौर करके चलिए, क्योंकि अगर मैं जो डिजिट में लिखा होता है उस पर तो हम ध्यान दे देते हैं, लेकिन हिंदी वाले शब्द पर ध्यान नहीं देते हैं, एग्जाम में बैठे होते हैं तब, दो लड़कियां और आ जाएं तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, ये जो 28 कम है लड़कियां वो दो लड़कियों के आने से क्या हो जाता है, बराबर हो जाती है, लड़के और लड़कियां क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो कमरे में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या मतलब दोनों की संख्या टोटल कितनी है, तो दो आने पर कितने की संख्या
28 लोग कम थे वो बराबर हो जाते हैं किसके, दो आने पर, दो आने पर। तो एक बराबर ये आ गया हमारा 14। अब 14 निकलकर आ गया हमारा दो बराबर, दो आने, दो का जो अंतर है वो 28 के बराबर है, तो 14 निकल के आ गया इस तरीके से हमारा एक बराबर। अब 14 को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लें कि बीच में दो का अंतर होना चाहिए, ठीक है, दो लड़कियां और आ जाएं तभी तो बराबर हो रहे हैं लड़के और लड़कियों की संख्या, बीच में दो का अंतर होना चाहिए। तो 14 को हम ऐसे लिख सकते हैं 8 और 6। 14 को इसे हम अब वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, हमारा आंसर तो आ गया 14, आंसर तो आ गया हमारा 14, एक झटके में आ गया। अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये बिल्कुल राइट आंसर है, 14 आ गया। 14 को हमने क्या किया, क्वेश्चन में बोला है दो लड़कियां और आ जाएं तो लड़कों की संख्या के बराबर हो जाती हैं, मतलब कि लड़कियां दो कम थी लड़कों से, तो 14 निकल के आया, तो लड़के हो गए 8, ये हो गया हमारा बॉयज, ये हो गया हमारा गर्ल्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर वर्ग करें इन दोनों का तो 28 का अंतर है लड़कियों में और लड़कियों में, तो वर्ग करके देखेंगे तो ये 64 आएगा, ये आएगा 36 लड़कियों का, और इनको अगर घटाएंगे तो 14 में से 6 गए 8, ये हो गया 28, मतलब कि 28 का ही अंतर है वर्ग करने पर, अंतर वैसे भी 2 का है, यदि दो लड़कियां आ जाएंगी तो ये है जो डिफरेंस 2 का वो पूरा हो जाएगा। तो कह सकते हैं हमारा 14 बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लें, इसे नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा माइंड चलाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √5 + √11 + √19 + √29 + √49, इस टाइप के क्वेश्चन। ये तो वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग सभी लोग कर लेते होंगे इस टाइप का क्वेश्चन, बहुत इजी है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, ये रूट में है 49, इसका वैल्यू हो गया 7, रूट में 49 की वैल्यू कितनी हो जाती है 7, 7 आगे वाले में जोड़ दो, इसमें 7 जोड़ दिया हमने, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 29 और 7 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 36, और ये भी किस में है, ये भी रूट में है, 36 का रूट में वैल्यू कितना हो जाता है 6, 19 और 6 कितना हो गया 25, अब ये 25 भी किस में है, इस वाले रूट में है, आगे वाले में जोड़ते हुए चल रहे हैं, तो 25 का रूट में वैल्यू कितना हो जाता है 5, अब 11 और 5 कितना हो गया, ये हो गया 16, अब इसके ऊपर भी ये रूट लगा है, 16 का रूट में वैल्यू कितना हो जाएगा 4, 5 और 4 ये हो गया 9, ये भी रूट लगा है इसके ऊपर भी, तो ये हो गया हमारा 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नोट कर लें से फटाफट से, क्लास अच्छी लग रही है सभी लोगों को तो एक साथ लाइक का बटन दबा दें, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स, जीएस, साइंस या फिर इंग्लिश सभी की क्लासेस आपके लिए जब भी इस पे अपलोड की जाए चैनल पे, तो उससे आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से और करने की कोशिश कीजिए, √6 + √10 - √21 - √35, बताइए कुछ समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन में, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, यह भी SSC CGL का क्वेश्चन है, यह भी CGL में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देख लीजिए क्या करेंगे इसमें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछा है का मान क्या होगा, बस हमें इसे सॉल्व करना है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं हम, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएं, तो क्या देख रहे हैं हम इसमें कि 21 ढाई, 10 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा √210, 10 और 21 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा √210, और 6 और 35 का गुणा करेंगे तो भी आएगा √210। तो यहां से दिमाग की बत्ती जली सभी लोगों की, मतलब कि हम इसे a+b या फिर a-b वाले फॉर्मेट में लिख दें तो ये 210 आ जाएगा, लेकिन
हमें रूट में वैल्यू नहीं चाहिए क्योंकि ऑप्शन में रूट में कोई वैल्यू नहीं है, ऑप्शन जो दिए हैं इसके उसमें रूट में वैल्यू नहीं है, तो हमें रूट में वैल्यू नहीं चाहिए, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, ऐसा कर लेते हैं इसे, यह है रूट सिक्स माइनस रूट 35, इसका कर दिया हमने होल स्क्वायर। इधर क्या रह गया अब हमारे पास, ये रह गया हमारे पास प्लस रूट 10 माइनस रूट 21, इसका भी कर दिया स्क्वायर हमने, ठीक है होल स्क्वायर कर दिया। अब इसका ए स्क्वायर मतलब कि 6 ही आएगा क्योंकि रूट में है, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 35 आएगा क्योंकि रूट में है, माइनस 2ab 35 × 210, तो 2√210 ये आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, यदि ध्यान से देखना, यहां तक हमने ये वाला कर लिया, ध्यान से देखना जब इसको भी ओपन करेंगे हम तो लास्ट में ये वाला भी माइनस 2ab आएगा क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ये तो ये भी माइनस 2ab आएगा, ये भी माइनस 2ab है, तो माइनस माइनस ये तो ऐड होने वाले हैं, ये तो ऐड होने वाले हैं, हमें चाहिए कि ये जो 210 है ये रूट में ये क्रॉस हो जाए, तो हम क्या करेंगे इसको जो ये माइनस है वो बाहर कॉमन ले लेंगे, ये तो माइनस है वो बाहर क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, माइनस जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, समझ में आ गया, इसे क्रम से लिख दे रहे हैं अगर कोई दिक्कत है तो, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो माइनस वाला है 21 ये प्लस का हो गया और ये जो प्लस वाला है वो इसका हो गया। अब चलिए देख लेते हैं क्या होगा, माइनस ये 21 हो गया प्लस ये 10 हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 माइनस 2 ए बी 21 × 210, ये 210 हो गया, इतना आ गया हमारा, ध्यान से देखना 35 अच्छा ये हो गया 41 माइनस 2 210 ये हो गया हमारा, इधर भी माइनस है तो जब इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे, पहले इसे जोड़ लेते हैं, माइनस बाहर ही रहने दीजिए, 2110 31 माइनस 2 210 ये आ गया, माइनस का अंदर गुणा किया तो ये क्या हो गया 41 माइनस 210 माइनस 31 प्लस 2 210 आ गया, प्लस का हो गया ये, इससे ये हो गया कैंसिल हमारा, रूट वाली वैल्यू पूरी तरीके से कैंसिल, अब बचा क्या 41 और 31, 41 में से 31 घटाए तो कितना बचा हमारा, ये आ गया हमारा 10, 41 बचा और 31 बचा, बीच में माइनस है, 41 में से 31 घटाए तो क्या आ गया हमारा 10, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, नोट कर लो फटाफट से इसे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोट कर लें इसे। चलिए तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ये सभी टाइप्स वो टाइप्स थे जो आपके 2022 के जितने भी एग्जाम हैं, 2021 के एग्जाम्स हैं, उन सभी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, तो सभी लोगों को क्लास आई हो पसंद आई होगी, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको टेक केयर।